बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले तो आप ये खूबसूरत मौसम देखें, मज़े लुटें इस मौसम के। बरसात का मौसम है, सावन का महीना है और हर तरफ ही बारिशें हो रही हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम बना हुआ है और स्पेशली लाहौर में तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है। अच्छा, आज ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, क्योंकि ऐसा होता है ना, बारिश का मौसम होना तो हब्स हो जाती है क्योंकि सावन का महीना है। लेकिन आज तो ठंडी ठंडी हवा भी है, बड़ा खूबसूरत मौसम है। ये चेक करें आप, ऊपर बादलों की आवाज़ भी आपको आ रही होगी कि बादल किस तरह से गरज रहे हैं। और आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ख़ास तौर पे उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो लोग बहुत ही जल्द हिम्मत हार जाते हैं या वो ये समझते हैं कि सक्सेस हमारी किस्मत में नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोग ये वीडियो देखकर ना, आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ दिल को तसल्ली तो मिल ही जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को टाइम पर मिलते रहें। ये देखिए इस तरफ जी बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम है और साथ बन रहे हैं जी ये पापड़। बड़े खूबसूरत मौसम के साथ बैठ के इसको एंजॉय करेंगे, साथ में चाय बनाएंगे तो बस जी मज़ा ही मज़ा। आप भी एंजॉय किया करें ज़रूर मौसम को, पकोड़े बनाएं इस तरह की कुछ भी ऐसी चीज़ हल्की फुल्की बना के, साथ में चाय चाय बना के ना, तो बस मौसम ज़रूर इंजॉय किया करें। वाह, ये देखें जी हमारे मज़ेदार से पापड़ भी बन चुके हैं। मौसम को तो अब हम खूब इंजॉय करेंगे, वाह, और साथ में भी बनाते हैं चाय। और ये देखें बाहर का मौसम, बल्कि मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ कि मौसम कैसा है। और ये देखें जी मेरे कपड़े धुले हुए इस तरह से पूरे रूम के अंदर मैंने इनको फैलाया हुआ है। ये देखें जी बाहर का मौसम और ये हमारे मज़ेदार से पापड़। वेलकम टू अबू धाबी एयरपोर्ट। चलो जी। अच्छा, ये इस एस्ट्रोलॉजी का क्लिप मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये जब भी कोई चीज़ लेती हैं, ये कोई बजट का ख्याल नहीं रखती, इन्हें कुछ नहीं पता होता कि हमारे कितने पैसे लग रहे हैं। क्यों? जब किसी के बाप का पैसा होता है ना, उनकी खून पसीने की कमाई होता है और वो कभी भी अपनी औलाद को इस तरह से वेस्ट नहीं करने देता। अच्छा, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी उनको डिग्रेड नहीं कर रही, लेकिन मैं जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए ये क्लिप शेयर कर रही हूँ। बिल देखे माशाल्लाह, इतनी महंगी शॉप, इतनी इससे बेहतर तू वहीं चली जा जितना सामान तू ले लिए। क्या बेसिकली हमारे हमारे घर पे अभी 5 बच्चे हैं, छोटे 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 छोटे, और पांचों के लिए 5-5 चीजें लेनी थी हमें। 6 बच्चे इंक्लूडिंग यू। ओह यस, आई एम आल्सो अ चाइल्ड राबिया। डैडी बच्चे हो यार। तो वो छठी बच्ची मैं हूँ, लेकिन मैंने वो बिल्ली के लिए, बाकी बच्चे जो छोटे छोटे सबके लिए चीजें ली हैं, चॉकलेट्स ली हैं, ज्योमेट्रीज ली हैं, बैग्स ली हैं, जो मुझे अच्छा लग रहा था दिल को, भाइयों के लिए लिया है, भाभी के लिए लिया है, बहनों के लिए लिया है, सबके लिए हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग कम्प्लीट कर ली है, क्योंकि हमारे पास उससे पहले टाइम नहीं मिला था। राबिया मोहतरमा अकेली गई थी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अदीब साहब को था कि इकरा कम पैसे लगा के आएगी, लेकिन इकरा साहिबा का हाथ जो है ना, बताती है जो फैसल साहब के लिए। अच्छा, तो अब ये वीडियो आप लोगों के सामने है कि उन्हें जो कुछ अच्छा लगा उन्होंने आराम से बगैर टेंशन के ये चीजें सारी खरीद ली हैं। यहाँ पर अगर कोई बिजनेसमैन का बच्चा गया हुआ होता ना, तो वो कभी भी इस तरह से शॉपिंग ना करता है, जितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, क्योंकि उसने वो मेहनत से कमाया हुआ होता है और वो पैसे को इस तरह से बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता। ये सिर्फ व्लॉगर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 व्लॉग से वो इतना पैसा अर्न कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं किसी भी व्लॉगर को डिग्रेड नहीं करी, ये सबका अपना अपना कॉन्टेंट है, सब अपना कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, अपना कॉन्टेंट लेकर आते हैं। अच्छा, बहुत से व्लॉगर्स ऐसे भी हैं जो बहुत कम पैसा अर्न करते हैं, जो जस्ट अपनी ज़रूरियात छोटी मोटी पूरी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते। जितने भी फैमिली कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, वो लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लाइक्स एस्ट्रोलॉजी, डकी भाई, रजब भट्ट हो गया, इसके अलावा सितारा यासीन है, और भी बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स होंगे जो अपना फैमिली कॉन्टेंट शेयर करते हैं। लेकिन पर्सनली मैं आप लोगों से अगर कहूँ ना, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके पास हुनर है, जो आप कॉन्टेंट शेयर कर सकते हैं, आप वो करें। ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली कॉन्टेंट शेयर करें। सीन ऑफ हो गया, हम लोगों की फ्लाइट जो है वो उड़ चुकी है,
और हम लोग यहाँ पे मिलते तरले कर रहे हैं कि प्लीज हमें किसी तरह उधर मेकअप देख रहे थे। यहाँ पे वेट करना चाहिए था क्योंकि 2 बजे आपकी फ्लाइट का टाइम था और आपको एयरपोर्ट हम काफी जल्दी पहुँच गए थे, लेकिन अब हमारे साथ मिसअप हो गया। अब वो कह रहे और ये शॉपिंग का सामान। अच्छा तो अब आपने देखा कि इनको यहाँ पे फाइन हो गया है, जस्ट 5 मिनट के लेट हो गए थे, फाइन हो गया। और इनकी अपनी भी गलती है क्योंकि ये आराम से यहाँ पे शॉपिंग करते रहे, ऑलरेडी इन्होंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की है फिर भी इनका दिल नहीं भरा। इन्होंने कहा कि यहाँ से एयरपोर्ट से भी हम शॉपिंग कर ही लेते बिकॉज इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है ना। और तकरीबन 10 लाख तक इनको फाइन हुआ जिसकी वजह से इनको कोई टेंशन नहीं है। 10 लाख इनके लिए 10,000 है। जैसे हमारे पास 10,000 होते हैं ना, हमारे 10,000 कहीं पे लग जाए ना, हम टेंशन में आ जाते हैं, हाय अल्लाह 10,000 का खर्चा हो गया ऐसे ही फजूल में हमें फाइन पड़ गया। बट इनके लिए 10 लाख वही 10,000 है। अच्छा ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना कि मैं इनको ही डिग्रेड किए जा रही हूँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा सिस्ट्रोलॉजी वालों के चाहने वाले भी होंगे, फिर उनके कमेंट्स ना आने लग जाएंगे आपको क्या मसला है, ये जितना मर्जी कमाए जहां घूमे फिरे आपको क्या है। नहीं भी, मैं जस्ट अपनी यूट्यूब फैमिली को इन्फॉर्म कर रही हूं कि आप भी यूट्यूब पे आके बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फैमिली कंटेंट शेयर करना चाहते हैं या इसके अलावा आपके पास जो भी एक स्किल है आप उसको लेकर आना चाहते हैं। एक्चुअली फैमिली कॉन्टेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं वो तो बहुत ही जल्द चैनल ग्रो कर जाता है। इसके अलावा जिनके और तरह के चैनल्स हैं लाइक रेसिपीज शेयर करना है, इसके अलावा अपनी डे रूटीन शेयर करना, लाइक जैसे मेरा चैनल है तो वो बहुत ही स्लो वर्क करते हैं। जैसे मेरा चैनल भी बहुत ही स्लो काम कर रहा है क्योंकि मैं उसमें अपना फैमिली कॉन्टेंट शेयर नहीं करती। मेरा ऐसा रूटीन होता है डे रूटीन शेयर कर देना और इसके अलावा ख़ुद भी कैमरे के सामने ना आना, मैं तो इस चीज़ को पसंद करती हूँ। आप जिसमें कम्फर्टेबल हैं आप उसको लेकर। वैसे अच्छी बात तो यही है कि फैमिली कंटेंट नहीं होना चाहिए, अपनी प्राइवेसी को प्राइवेट ही रखें तो अच्छी बात है। अच्छा अभी इन्होंने जो ट्रिप प्लान किया था, ट्रिप पर गए तकरीबन मुझे तो ऐसे लगता है 80-85 लाख तो जरूर ही लगा होगा क्योंकि 46,000-48,000 आई थिंक इनकी जस्ट टिकट थी। और इसके अलावा वहाँ पे रहना, घूमना फिरना, इंजॉय करना, खाना पीना एवरीथिंग उसको मिला मुलू के, और इतनी ज़्यादा महंगी महंगी शॉपिंग करना तो इनका ज़रूर ही 80-85 लाख लग गया होगा। और आप खुद सोचें जितना ही बड़ा बिजनेस मैन हो ना वो कभी भी इस तरह से ट्रिप प्लान नहीं करेगा कि इतने ज़्यादा सारे पैसे जाके हम आराम से उड़ा कर आ जाएं। हाँ बहुत बड़े लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए इस तरह के। कह रहे हैं कि दूसरी पुत्र छुट्टी करो ना। सही कल जाओ वापस। नहीं ना कल ना, पता नहीं। हम कह रहे हैं कि अगर वो एजेंसी ने किया हुआ है, यानी कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ना फ्लाइट हुई एजेंसी के थ्रू कराई, किसी बंदे के थ्रू कराई थी, वो ही चेंज करा सकता है, वो बंदे से मेरा रब्ता नहीं हो रहा। आई अल्लाह, मेरे हस्बैंड साहब को इतनी भूख लगी है कि बच्चों बेचारों के लिए, बच्चों आपके मामू चाचू ये हरकतें चेक करेंगे, बातें समझ जाएंगे ना, समझ जाएंगे। देखिए आपकी जिनकी चीजें कम हुई समझता ना, ये अरीफ साहब का आ रहे हैं, ठीक है। फाइनली हम लोगों को बोर्डिंग पास दोबारा से नया मिल गया है, और क्या टाइमिंग हुई है, कितने पैसे लग गए हैं, क्या उजाड़ा कर चुके हैं हम लोग इस वक्त, ये आपको अरीफ साहब ही बताएंगे। कहते हैं दुखती रग पे हाथ मत। अच्छा वैसे तो मंथली जो सिस्ट्रोलॉजी है ये तकरीबन 1 करोड़ तक इनकी मंथली इनकम आती है यूट्यूब से, क्योंकि इनके व्यूज़ भी इतने ज़्यादा है ना, चाहे डकी भाई हो गए, रजब भट्ट हो गया, इसके अलावा ये लोग होंगे। क्योंकि इतना जल्दी आपको पता है कि बिजनेसमैन भी इतना जल्दी गाड़ी नहीं बना सकता, जैसे कि रजब भट्ट की स्टोरी आप लोगों के सामने है कि उसके बाद जस्ट बाइक थी, फिर आम सी गाड़ी थी, उसके बाद जस्ट व्लॉगिंग उसने स्टार्ट की, फिर तो कुछ ही महीनों के अंदर अंदर उनके पास प्राडो आ गई। तो ये सिर्फ व्लॉगर्स ही कर सकते हैं, व्लॉगर, क्योंकि YouTube पे इतना ज़्यादा पैसा है ना डॉलर में आता है, और आपके जितने ज़्यादा व्यूज़, अगर जिसके भी मिलियन में डेली का एक व्लॉग मिलियन में जा रहा है ना, तो इट मीन्स कि आप तकरीबन 1 करोड़ के करीब अर्न कर सकते हो YouTube से। ये देखें मैंने आपको कितनी सीक्रेट बात बताई है ना। और इसी तरह से बाकी जितने भी YouTube पे क्रिएटर्स हैं उनको भी ज़रूर सपोर्ट करें, उनका भी आप ज़रूर व्लॉग देख लिया करें। ज़रूरी नहीं कि आप जस्ट फैमिली कॉन्टेंट देखते रहें और बाकी व्लॉगर्स को आप छोड़ ही दें, वो भी बेचारे मेहनत कर रहे होते, उनके चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट किया करें। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब मैं मिलूंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। रोटी मम्मा, रोटी साथ में चटनी है, साथ में सारी चीज़ें हैं, मेन्यू में क्या क्या है। मेरी बात दो सुन सब।
हाँ जी मेरी सब बात सुनो, जितने पैसे पड़े हैं वो यहाँ से पूरे करके जाए। हाँ, बार बार मैं तो कहती हूँ खाओ और फिर बाथरूम जाओ और फिर आओ फिर बाथरूम। ये बड़ी मजे की रोटी है, ये मजे की रोटी है, बस खाए मम्मा दिल खोल के खाए। मैं तो कहती हूँ इनका पूरा बफे मका के ही है। यहाँ मैं आपको चेक करवा देती हूँ इकरा कमल ने अपनी प्लेट में क्या कही। ये आइस टी है, ये देखें जी हमने सारा मेन्यू सारा एक साथ, सालसा सॉस लैम बिरयानी। राबिया मैडम खाने में मस्त, चना चाट पे तो देखिए मेरा दिल आ गया। सैलेड हुमस, चना चाट, बारबेक्यू, ब्रोकली और बस। अब बस खाना चना स्टार्ट करते हैं। मम्मा सही प्रॉपर प्लेट बना के